पहले वीडियो में मैंने ऐसे वैसे में 4 क्वेश्चन आपको ऐसे होमवर्क दिए थे, जब आपको खुद से सॉल्व करना था। मैं आंसर बताया तो सुन लीजिएगा। पहले का जो क्वेश्चन होमवर्क वीडियो दिया था उसका आंसर HCF था 5 और उसका LCM था 269760। जो सेकंड क्वेश्चन था उसका उसका HCF था 3 और उसका LCM था 6930। तो मैंने आपको आंसर बता दिया, आप खुद से करेंगे। अब आप क्वेश्चन 3 देखो, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, एक बार देख लो। क्वेश्चन 3 में इसलिए सॉल्व करके बता रहा हूँ कि ये फ्रैक्शन वाला फॉर्म है। इसके पहले तक जो मैंने क्वेश्चन करवाया आपको वो इंटीजर वाले फॉर्म से, तो एग्जाम में ना दोनों के क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शन वाले के भी क्वेश्चन आते हैं, इंटीजर वाले के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए, सुनते जाइए सारी की सारी चीजों को, मैं हेल्प कर रहा हूँ आपकी। देखो आप क्या करेंगे, अगर मान लिया आपको HCF निकालना है फ्रैक्शन वाले फॉर्म का, तो फंडा क्या होता है, अगर HCF निकालना है तो HCF लिख दो ऊपर और जो बच गया उसको लिख दो नीचे। जैसे अगर आपको LCM निकालना होगा तो LCM लिख देना ऊपर और जो बच गया उसको लिख दो नीचे। समझ में, जो निकालना होता है वो ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर कंप्लीट कर दो तो ये हो जाएगा HCM ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर, LCM ऑफ न्यूमरेटर और HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये फंडा हो गया जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, एक बार इसको देख लीजिए। HCF और न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या क्या, 2 3 5, तो 2 3 और 5 का आपको निकालना था HCF, और जो नीचे है उसका आपको निकालना था LCM, मतलब कि 3 2 और 7। LCM ऑफ न्यूमरेटर, तो LCM न्यूमरेटर आप करेंगे तो ये हो जाएगा LCM ऑफ 2 3 और 5, HCF ऑफ डिनोमिनेटर तो ये हो जाएगा 3 4 7। ऐसे अब इसको सॉल्व कर दो, 2 3 7 का HCF होगा 1, 3 4 7 का LCM होगा 7 6 21 4 4, LCM होगा इसका 5 15 20 30 और HCF होगा ये आंसर। हो गया राकेश, वो वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, अगले वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है। हो गया, आगे चले हैं। थर्ड का ये आएगा राकेश, ये सामने स्क्रीन पर है थर्ड। तुम एक अलग ही लेवल में चलते हो भाई, ये थर्ड ने बनाया, वो थर्ड का ये आंसर है राकेश कुमार। तुमने राकेश कुमार प्रजापति, पूरी प्रजा को डुबाओगे कैसे डुबाओगे। चलिए सॉल्व कीजिए। मन के अंदर से दो चार शायरियां फूट रही हैं, सुनाइए अमन, सुनाइए। रोकिए, रोका मत करो अमन, अंदर से जो आता है ना उसको बाहर निकाल दिया करो, हम सुन लेंगे, तुम हमारी फिक्र मत करो, हम सुन लेंगे। आ गया आंसर बच्चों का,
इसका जो HCF आएगा वो आएगा 1/364। आप खुद से सॉल्व करना जो भी आपको आए समझ कर। मुझे इसका सॉल्यूशन मेरा ख्याल है बताने की जरूरत नहीं, पढ़नी चाहिए। वन बाय 364 में किसी बच्चे को डाउट है, मैं हेल्प करूं? अरे वो हो जाएगा 1/364 यार, इतना आप कर सकते हो। ये भी नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ? मैं कुछ तो करना पड़ेगा ना जीवन में। अब बारी है एलसीएम की, बताओगे आंसर कि मैं सीक्रेट रिवील कर दूं? राकेश साहब कुछ कहेंगे आप? बैठे रहते सवाल को जवाब अपने से लेकर। चलो सुनो, देखो जब एलसीएम निकाला था, भारतीय सुनिएगा, आपको डांटने के लिए इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ ना, सॉल्यूशन ही बताया था, सिर्फ आपको डांटना है करके मैं मेहनत कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं करता मेहनत। जी चलिए डाट खाइए। 4/7/13 का भारती जी ने एचसीएफ निकाला 1, जो कि एकदम सही था। एलसीएम जो है भारती जी, वो 3, 4 और 9 का 108 नहीं होगा। अरे मैंने कब कहा कि जो है एलसीएम के लिए सारे के सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, ये मैंने कब कहा भारती जी? तो जब ने पकड़ के 3 चौके 12 नहीं 108 कर दिया। अरे इसको फैक्टराइज करना होता है ना भारती जी, फिर उसके बाद जितने अलग अलग टाइप के नंबर है सबको लिखो, तो दो ही टाइप के तो नंबर है, 2 और 3, और उसकी बड़ी बड़ी पावर डालो आप, तो ये 36 होगा ना भारती जी? अरे गड़बड़ कर देते हो यार, नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है। नहीं आ रहा समझ। चलो सुनो जरा, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूँ। अब ये तीसरा टाइप हो गया। अमन साहब आपको टाइप सुनना अच्छा लगता है ना, तो ये तीसरा टाइप हो गया। पहला टाइप था इंटीजर वाला, दूसरा टाइप था फ्रैक्शन वाला, अब ये तीसरा टाइप है डेसिमल वाला। ठीक है, तो ये डेसिमल वाले का टाइप सुन लो आप। देखो डेसिमल वाले को कैसे डील करना, डेसिमल वाले को डील करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा बात को समझिएगा। डेसिमल वाले को डील करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा ना इस डेसिमल को हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमेशा ही इस डेसिमल को हटाने की कोशिश करना है आपको। गॉट इट? अब यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट लगा हुआ है, तो आप खुद सोचो, ऐसे सोचो कि 108 में मैं कौन से नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं कि वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। ये डेसिमल हटाना है मेरे को, तो 1.08 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि पॉइंट हट जाए, ऐसा आपको सोचना है खुद से। तो अमन साहब ने बताया 100 का, तो जैसे मैं 100 का इंटू करूंगा तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, 108, 36, 90। अब ये 108, 36 और 90 का आप एचसीएफ निकालना जानते हैं, उसके लिए क्या करते हैं सर? उसके लिए इसको फैक्टराइज करते हैं। ये होता है 36 3 जा 12 36, मतलब 12 नहीं 108, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 3 की पावर 3। ठीक है, 36 है तो 9 चौके 36, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 90 है। तो देखो फैक्टराइज करेंगे ना, आप ये भी कर सकते हो, तुम तो ये भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि जैसे ये 0 लिखा हुआ है ना, तो 0 का लास्ट पर 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 2 पंचे 10 होता है ना, तो वो अलग हो जाएगा। गॉट इट? तो और इसको मैं 3 स्क्वायर बोल सकता हूँ, 3 इंटू 3,
जैसे इसको लिखो तो कैसे लिखेगा, 3 स्क्वायर 2 इंटू 5, ऐसा समझे फैक्टराइजेशन। तो अब जैसे ही मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ में क्या आ जाएगा, 2 2 2, तो 2 है भाई, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर भी है भाई, बस हो गया। तो 3 स्क्वायर 9 9 तो जो 18, अब जरा इस वाली बात को समझना भारती जी। क्वेश्चन 108 थोड़ी था, क्वेश्चन तो 1.08 था ना, हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया था अपने हिसाब से सॉल्व करने के लिए। तो क्योंकि शुरू में आपने 100 का मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में आप 100 का डिवाइड कर दो तो 0.18 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। जैसे अगर आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है तो जितने अलग अलग टाइप के नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 5, बड़ी बड़ी पावर ले लो, 3 का क्यूब है, 2 का स्क्वायर है, इसका 1 है, 2 5 10 0 हो गया, 3 क्यूब 27 2 54 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे भारती जी, 100। पता चल रहा है क्यों कर रहा हूँ ऐसा, तो ये हो जाएगा 5.4, 5.4 इसका आंसर हो गया। बोलो आया समझ में, कैसे डील करना है फ्रैक्शन वाले को, सॉरी इंटीजर वाले को, सॉरी डेसिमल वाले को। हाँ ऐसे डॉट मार दिया करो, चलो आप लोग डॉट मारते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग साथ में हैं और मुझे चीजें समझ में आ रही है। भारती जी इसको डेसिमल की फ्रैक्शन वाले की तरह सॉल्व नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते भारती जी, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप करके देख लो। क्या होता है कि ना आंसर कभी कभी मैच नहीं करता है, चीजें मिसमैच हो जाती है डेसिमल में कन्वर्ट, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से। चलिए सॉल्व कीजिए,
एचसीएफ आएगा वो आएगा 0.18, ठीक है। और जो एलसीएम आएगा वो आएगा 21.6। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पल्लव, मेरा ख्याल है कि एचसीएफ एलसीएम यहाँ तक सारे बच्चों क्लियर हो गए। मैं इसको सॉल्व करके दूं क्या किसी बच्चे को? अरे यार आंसर नहीं लाते यार, ये क्यों नहीं आ रहा है भाई? नीरज क्या क्या ला रहे हो तुम? अब अमन एलसीएम बताऊंगा तो एचसीएफ भी बता ही दूंगा, करना तो दोनों में वही चीज होता है, बस एक स्टेप का फर्क होता है। कैसे कर रहे हो अमन, गड़बड़ा दे रहे हो? फैक्टराइज करना था 100 का मल्टीप्लाई करके, 100 का मल्टीप्लाई करते और फैक्टराइज करते, जैसे 100 का मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करते तो वो मिलता आपको 2 × 3 क्यों 27 × 54 होता है, 9 × 2 = 18, 3² × 2 = 72, 8 × 2 = 72, 3³ which is 8 × 2 = 72 ना, 3² अब इसमें 1 0 और मिलता तो 2² = 5 हो जाता, और इसमें 1 0 मिलता तो 2³ = 4 और 5 हो जाता। ये फैक्टराइजेशन आया था अमन साहब? अब जब आप एलसीएम निकालते हैं तो बड़ी बड़ी पावर का मल्टीप्लाई, 3 की बड़ी पावर है 3³, 2 की बड़ी पावर है 2 की पावर 4। वेल अमन, तो इसमें 216 आएगा, डिवाइड बाय 100 करूंगा तो 21.6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जो है अगला क्वेश्चन है 9 फैक्टोरियल, 99 फैक्टोरियल, 999 फैक्टोरियल, इसमें आपको बताना है एचसीएफ और एलसीएम। चलो जल्दी सोचो, थोड़ा बहुत मैं सोचा करो जब मैं सवाल देता हूँ, लेकर मैं बैठा था। चलिए मैं सॉल्व करके देता हूँ, एक बार देख लेते हैं। देखो जैसे एचसीएफ का मतलब क्या होता है, फोकस करो जरा राकेश साहब। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर, मतलब ये है कहने का मेरा कि जो भी इनमें कॉमन होगा वही एचसीएफ बन जाएगा, है ना? ये ली बात मानते हो? ये तो 9 फैक्टोरियल का ठीक है, लेकिन जब मैं डबल 9 फैक्टोरियल एक्सपांशन करूंगा, मतलब कि मैं 99 × 98 × 97 ऐसे उल्टा बढ़ूंगा, तो रास्ते में कहीं पर मेरे को 9 8 7 3 2 1 भी मिलने वाला है, मानते हो सर बात? इसका मतलब कि रास्ते में कहीं मेरे को 9 फैक्टोरियल भी मिलने वाला है। और वैसे ही जब मैं 999 का एक्सपांशन करूंगा, तो 999 × 999 8 × 999 777 ऐसे बढ़ूंगा आगे, तो रास्ते में कहीं मेरे को 99 98 मिलेगा, और रास्ते में कहीं मेरे को 9 8 7 5 4 3 2 1 भी मिलेगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं? चलिए बात मानते हैं, जो 9 फैक्टोरियल है ये सब में अवेलेबल रहेगा, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ होने वाला है 9 फैक्टोरियल। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है कि जितने भी टाइप के नंबर हैं सबका बड़ी बड़ी पावर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? जितने भी टाइप के नंबर हैं सबका बड़े बड़े पावर का मल्टीप्लीकेशन। तो आप देख रहे हो कि जितने भी टाइप के नंबर हैं सारे के सारे नंबर इस वाली लिस्ट में अवेलेबल है। इसमें ये 99 भी अवेलेबल है, इसमें 98 भी अवेलेबल है, इसमें ये 9 फैक्टोरियल वाला भी अवेलेबल है। मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे जो नंबर हैं ये सारे के सारे इसमें अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलसीएम होगा सारे के सारे बड़े पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है, और ये मल्टीप्लीकेशन ही तो 9 999 फैक्टोरियल था। ठीक है सर? तो अल्टीमेटली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी फैक्टोरियल वाला जो भी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे छोटा वाला जो फैक्टोरियल होगा वो एचसीएफ होगा, और जो सबसे बड़ा वाला जो फैक्टोरियल होगा वो हमेशा एलसीएफ होगा। इतनी बात आ गई समझे बच्चों को? इसमें डाउट है किसी को? कंफर्टेबल है कुछ? ठीक है, ओके मित्रों। ठीक है, कंफर्टेबल है? चलो सुनते हैं। तो ये ना मैंने एचसीएफ एलसीएम का एक पार्ट आपको डिलीवर कर दिया, एक सेक्शन में आपको डिलीवर कर दिया, लेकिन अभी एचसीएफ एलसीएम खत्म नहीं हुआ है। अभी इसके बाद में क्या होगा कि एचसीएफ एलसीएम का ना थ्योरी वाले क्वेश्चन, जैसे अभी हमने ना जो क्वेश्चन देखे नंबर नंबर वाले क्वेश्चन देखे, सब में नंबर नंबर था, है ना? अब जो अगला वाला जो सेक्शन होगा ना, विच इज द एपिसोड 2, उसमें सारे थ्योरी थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में ना, एचसीएफ एलसीएम का एपिसोड 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग सारे के सारे थ्योरी थ्योरी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे साथ। आगे बात समझ में कंफर्टेबल? मतलब एचसीएफ एलसीएम का अपन एक और हाई लेवल डिस्कस करेंगे।